दोस्तों एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये साबित कर दिया है कि वो सच के साथ है, सच के साथ हर कीमत पर खड़े रहेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी तरीके की टिप्पणियां क्यों ना की जाए। क्योंकि आमूमन आप देख ही रहे हैं कि आजकल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं नफरती चिंटुओं की तरफ से। नफरती चिंटू CGI को भी नहीं छोड़ रहे, उनके फैसले पर भी सवाल खड़े कर दे रहे, उनको लेकर अनाप शनाप, उनके परिवार को लेकर अनाप शनाप बोला जा रहा है। लेकिन आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने रामदेव, जी हाँ, बाबा रामदेव की पतंजलि को लेकर, जो बाबा रामदेव की धज्जियां कोर्ट के अंदर उड़ाई है, शायद बाबा रामदेव इस बात को कभी भूल नहीं पाएंगे। पिछली बार सुनवाई हुई थी बाबा रामदेव के भ्रामक विज्ञापन को लेकर, तब भी सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़े हुए बाबा रामदेव और उनके जो चेले हैं वो माफी पर माफी मांग रहे थे कि माफ कर दीजिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लोग पहुंचे तो सोचा माफी मांग कर निकल लेंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि जो तुम कर रहे हो और जो देश को इससे मैसेज जा रहा है, ये पूरी तरीके से देशवासियों को जान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। क्योंकि कहा जाता है ना कि पैसे वाले कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन न्याय इंसाफ नहीं खरीद सकते हैं, और यही हाल बाबा रामदेव का सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज भी बाबा रामदेव हाथ जोड़े हुए माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन जज साहब ने ये साफ कह दिया कि आपने जानबूझकर ये गलती की है। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था तो आपने भ्रामक विज्ञापन क्यों चलाया, इसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जैसे ही वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसके बाद तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जज को सलाम करना शुरू कर दिया है कि इंसाफ भले ही देरी से मिले लेकिन इंसाफ मिलता है। ये बात आज उन तमाम नफरती चिंटुओं को समझ जाना चाहिए कि वो जिस तरीके से समाज में नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, एक ना एक दिन उनका नंबर ज़रूर आएगा। अब आपको बता दें दोस्तों कि बाबा रामदेव आज फिर से सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते हुए नज़र आए। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने, वो इन तमाम चीज़ों पर खबर देखते रहते हैं, News24 के प्रभाकर कुमार मिश्रा, वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन, सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को माफ़ करने के मूड में नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने कह दिया है कि हम आपका माफ़ीनामा स्वीकार नहीं करते हैं। पतंजलि की दवाओं की शिकायत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर के कंडक्ट पर नाराज़गी जताई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ड्रग कंट्रोलर और लाइसेंसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है, क्यों नहीं कर्तव्य में लापरवाही के लिए इन अपराधियों, इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस तरीके से आज जो है बाबा का सुप्रीम कोर्ट में बिगुल बज गया दोस्तों। किस तरीके से बाबा रामदेव की जो धज्जियाँ उड़ी है वो देख कर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि इस वीडियो को बाबा रामदेव के निगार परवीन ने, एक यूज़र, वो शेयर करते हुए लिखती है कि आज देश का कानून संविधान ने बाबा रामदेव को बता दिया है कि वक्त सबका आएगा। कभी रामदेव कहा करते थे तू मेरी पूँछ पाड़ेगा, आज इस वीडियो को देखिए, समझिए कौन किसकी पूँछ पाड़ रहा है, किस तरीके से ये माफ़ी मांग रहे हैं, कैसे ये झूठा और भ्रामक जो है खबरें फैलाया करते थे और भाजपा के मंत्री इसे प्रमोट करते थे। कई सारे मंचों पर बाबा रामदेव का जो कोरोनिल था वो प्रमोट किया गया है, और गोदी मीडिया में तो इनका आपको पता ही है कि किस तरीके से भर भर कर विज्ञापन जाता रहा है, कैसे बाबा रामदेव का विज्ञापन हर तरफ चलता हुआ नज़र आता है। कई चैनल्स हैं जिसमें सुबह दोपहर शाम बाबा रामदेव ही नज़र आते हैं, हर तरफ उनकी ही जो तस्वीरें हैं वही नज़र आती है कि कैसे बाबा रामदेव जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से बाबा रामदेव को लेकर ज़बरदस्त तरीके का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तीसरी आंख खोल दी है, किस तरीके से बाबा रामदेव की धज्जियां उड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज बता दिया है। यही बाबा रामदेव काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे, आज लोगों को कैसा उल्लू बना रहे हैं ये आपके सामने है। अब देखिए दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है बाबा रामदेव को जो लेकर, पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट के अंदर की खबर आई है वो ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्ला की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांगी और मुकुल रोहतगी से कहा है कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए आप तैयार हो जाइए। आप सीधे तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जो है नज़रअंदाज कर रहे थे। ये कोई ये नहीं है
कि आप आएंगे और अपना आपका मंच नहीं है कि आएंगे, लोगों को कुछ भी बोल देंगे और लोग उसको सत्य मान लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आपने किस तरीके से अनसुना किया है, इसलिए इस माफ़ी का कोई भी जगह सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। इस तरीके से इनके वकील को सुनाते हुए, फटकार लगाते हुए, डांट लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि आपकी माफ़ी को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, जब से ये मामला सामने आया है तब से लोगों की काफ़ी प्रतिक्रिया आई है। मैंने आपको कुछ ट्वीट्स भी दिखाए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है कि कैसे बाबा रामदेव की जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमकर धुलाई हुई है। अगर ऐसे ही न्याय मिलने लगे तो इस देश में वो दिन दूर नहीं जब जो लोग न्याय के लिए इधर उधर भटकते हैं, खासकर गरीब तबके के लोग, उनको भी इसी तरीके से उम्मीद जो है वो जाग रही है कि वो ऐसी तमाम चीज़ों में जो फंसे होते हैं, कोर्ट जाने से डरते हैं, घबराते हैं, वो इन तमाम फैसले को देखकर सुनकर कोर्ट जाने के लिए जो है राज़ी होंगे कि कैसे जो है कोर्ट में इंसाफ मिलता है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो गया है हमारे देश में। हर चीज़ को लेकर कोई ना कोई प्रतिक्रिया सामने आ ही जाती है। हर चीज़ में नफरती लोग जो हैं वो सवाल खड़े करने लग जाते हैं, ट्रोलर्स जो हैं वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं हर एक चीज़ में। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।